सुभाष कुमार को बनाएगा और सुभाष खाते हैं और तो मैं हाथ चाट चाट के खाता हूँ। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रंजना वेजपुर चैनल में। तो आज हम आए हुए हैं चना के खेत में। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी खुटाई, देखिए हुआ है, ये देखिए इसमें देखिए खोटे हुए हैं और एक पेड़ में देखिए कितना ढेर सारा कला निकला हुआ है। इसमें कई टहनी बनी हुई है क्योंकि इसकी खोटाई मतलब जितना आप इसको खोटोगे ना उतना ढेर सारा इसमें से कानी निकलता है। इसीलिए देखिए ढेर इसका चना जो है इतना बड़ा बड़ा सा हो जाता है ना, तभी से इसकी खोटाई शुरू हो जाती है। अभी जो है ये सब मैं भी खोट लेती हूँ, इतना इतना सा तीन पत्ती इसका खोटा जाता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट आता है। देखिए ऐसे इस तरीके से खोट लिए हैं ना, यहाँ से फिर से निकलेगा कल्ला, यहाँ से बगल बगल से देखिए सब निकला हुआ है ना। तो देखिए इतना सा मैंने खोट लिया हुआ है। तो ऐसे एक एक पौधा देख करके फिर उसके बाद हम खोट लेते हैं। तो चना भी है और इसमें देखिए सरसों भी है और अरसी भी है। ये देखिए अरसी का पेड़ है ये, और ये सरसों है, चना है, मतलब एक खेत में तीन चीज़ बोया गया है। तो नरम नरम जो पुल्ला है इसका हम तोड़ लेते हैं यहाँ से। तो इतना सा मैंने खोट लिया है, उसको हम खा लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है चना का साग खाना, मतलब खाना गांव में दूसरी मीटिंग जब होता है ना तो सब लोग ऐसे आते हैं चना का साग खाने के लिए। तो गाँव में मतलब सब लोग थोड़ा थोड़ा ज़रूर बोते हैं चना खाने के लिए, बहुत आयरन से भरपूर होता है चना का साग। तो देखिए उधर भी थोड़ा सा चना ही बोया गया है और देखिए आ गए हैं सभी लोग खाने के लिए। तो इसकी खोटाई हो गई है तो ढूंढ ढूंढ करके खोटना पड़ रहा है चना का साग, यहाँ पर है। डलरी में रख देते हैं। तो चना की खोटाई करने के बाद इसको हम डलरी में रख देते हैं। कितना ढेर सारा चना मैंने खोट लिया हुआ है। तो ढूंढ ढूंढ करके हम अपने ज़रूरत के हिसाब से ऐसे ही खोट लेते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने देखी इतना ढेर सारा चना का साग खोटा हुआ है। देखिए काफ़ी ढेर सारा खोट लिया हुआ है मैंने। तो चलिए अभी हम चलते हैं घर पे इसको लेकर के। तो चना का साग लेकर हम घर पर आ चुके हैं। तो कल शाम को ही हम चना का साग लेकर आए हुए थे घर पे। अभी हम इसको धुल करके साफ कर लेते हैं, अब चलेंगे इसकी रेसिपी बनाएंगे हम। बहुत ही बढ़िया से चना का साग मैंने धुल के साफ कर दिया है। इसका पानी भी देखिए एकदम गिर गया, इस पर पानी बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। तब इसका हम इसको हम कट करेंगे। पहले से बुक में ले लेते हैं सरिया के। तो इसके बाद यहाँ थाली में हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो बुक में लेके काटते नहीं बन रहा है तो थाली में से रख के हम चक्की से काट लेते हैं। तो ऐसे दो तीन बार हम इसको ऐसे पकड़ करके सरिया के उसके बाद ऐसे चक्कू से कट करेंगे ना तो एकदम छोटा छोटा पीस हो जाएगा। देखिए बहुत ही छोटे छोटे पीसेस भी मैंने कर लिया हुआ है। तो अभी हम सुबह का पूरा खाना बनाएंगे। तो इसीलिए देखिए दोनों चूल्हा में हम आग जलाएंगे। दोनों चूल्हा में मैंने आग जला लिया हुआ है। तो एक चूल्हा पर रख देते हैं डेक्ची और एक चूल्हा पर रख देते हैं पतीला। तो पतीला में हम पानी डाल देते हैं। तो इसमें हम बनाएंगे चावल और इसमें बनाएंगे दाल। यहाँ पर मैंने चावल लिया हुआ है तो चावल को हम पहले धुल के साफ कर लेते हैं। तो इधर देखिए पानी भी हमारा उबलना शुरू हो गया है, तो मैं चावल डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो प्रकार का दाल लिया हुआ है, अरहर की दाल है और ये उड़द की दाल है। तो दाल हम धुल के साफ करेंगे।
डाल देती हूँ डक्ची में। तो डक्ची से ढक्कन लगाकर बंद कर देते हैं और दाल अच्छे से उबलने देते हैं। अभी देखिए दाल में उबाल आना शुरू हो गया है। तो यह देखिए चावल उबलना शुरू हो गया, इसको हम कलछुल से चला देते हैं। तो थाली हटा करके देखिए चावल हमारा बहुत ही बढ़िया से पक गया है। तो पतीला हम उतार कर रख देते हैं नीचे और चावल ढक देते हैं। तो दाल में डालने के लिए देखिए मैंने पानी ऊपर से रख दिया हुआ है भगोने में भर करके। अभी ढक्कन हटा कर देखते हैं। ऐसे कलछुल से हम बहुत बढ़िया से दाल फेंक देते हैं, दोनों दाल अच्छे से जो है मिक्स हो जाए एक में। अभी आप लोग देख सकते हैं देखिए दाल जो है मिक्स हो गई है बहुत ही बढ़िया से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी, जो मैंने ऊपर पानी रखा हुआ था गर्म पानी हम इसमें डालेंगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चना का साग। अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक खटाई और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम ढक्कन बंद कर देते हैं और फिर से दाल हम पका लेते हैं। ऊपर का ढक्कन हटा करके देख लेते हैं कि दाल हमारा कितना पका है। दाल हमारी बहुत ही बढ़िया से पक चुकी है। अभी थोड़ा पनिया दिख रहा है तो इसको थोड़ा और हम पकाएंगे। तो अभी ढक्कन हटा कर देखते हैं कि दाल हमारा पका है। तो अब बहुत ही बढ़िया से दाल हमारा जो है पक गया है। अभी आप लोग देख सकते हैं देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है, एकदम मस्त से दाल हमारा बनके तैयार हुआ है। तो अब हम दाल में डाल देते हैं हींग। हींग जो होता है पेट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, बहुत फायदेमंद, पेट के हमारे साफ रखता है और खुशबू बहुत अच्छी लगती है हींग की। डाल करके इस बगल वाले चूल्हे पर रख देते हैं। दाल हमारा पक गया है। तो अभी हम दाल में तड़का लगाएंगे। तो कलछुल हम रख देते हैं आग पे। लेती हूँ तेल। तो तेल गर्म हो गया तो इसमें मैं डाल देती हूँ लहसुन, लेती हूँ हरी मिर्च। दो मैंने हरी मिर्च काट के ले लिया हुआ है। देखिए लहसुन और मिर्च मैंने पका लिया हुआ है। तो हम इसको दाल में छौंका लगाएंगे। तो अब यहाँ पर हम रोटी बना रहे हैं। एक तरफ चिट्टियाँ पड़ गई है तो रोटी पलट देते हैं और इधर दूसरी रोटी हम आग में रख के पका रहे हैं। बहुत ही बढ़िया से फूल गई है रोटी। तो पूरा रोटी मैंने बना लिया है, ये लास्ट वाली है, इसको भी हम बना सेक लेते हैं। तो आग में देखिए रखने के बाद कितनी बढ़िया से रोटी हमारी फूल रही है। तो सुबह का पूरा खाना मेरा बन के तैयार हो गया है। तो अभी मैं खाना एक थाली में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा चावल बना हुआ है। तो पतीला मैंने चावल डाला हुआ है तो बहुत बढ़िया चावल हमारा पका है। तो दो थाली में मैं खाना निकालूंगी, एक चाची के लिए और एक अपने पति देव के लिए। मैं यहाँ से दाल निकाल लेती हूँ। तो हरे चने का सपेता हमारा कितना बढ़िया बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कितना बढ़िया से लग रहा है। इसकी में जो मैंने हींग डाला हुआ है इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो देखिए खाना मैंने थाली में परोस दिया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो मेरा हम लोगों को खाना तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। आप देख लो जाइए।